हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं, नहीं एक्चुअली हम ट्राई करने वाले हैं ये जो कटोरी चाट होता है उसकी कटोरी तो पहले बना लें। तो हम यहाँ पे लेंगे कटोरी और इस तरीके से मैंने मैदा का डो ले लिया है। ये जो मैंने पिछली रेसिपी में बनाया था ना उसी का डो यहाँ पे बचा के रख लिया था, उसी का डो लिया और इस तरीके से कटोरी में इस तरीके से फैला के उसको चिपका देना है, ऐसा उसमें वीडियो में दिखाया था। सो मैं भी ऐसी थी। उसके बाद ऑयल में इस तरीके से डाल देना है। सो अब बनने देते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। सो गाइस, इस तरीके से बन गया, लगभग कटोरी के साइज़ का ही तो दिख रहा है। इस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट है हमारा, लगभग कटोरी जैसा है। शायद मेरी कोई गलती नहीं होगी या पता नहीं क्या, बट जो भी है बनकर रेडी हो गया। फिर क्या है, हमको इसको फिर अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। इसके लिए लूँगी मटर, मैं इसके आलू ये सब मैंने पहले से उबाल के रख लिए थे। उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, इस तरीके से सारी चीज़ें ले ली। और फिर हम लेंगे यहाँ पे मिर्ची का पाउडर। उसके बाद हम लेंगे नमक ऐड करने के लिए। फिर उसके बाद हम इस पर डाल देंगे इमली का पानी, खट्टा खट्टा पानी या मीठा पानी, जो भी आपको पसंद हो। मैं मीठा इमली का पानी डालूंगी। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही डाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे, जो भी ऊपर से डाल देंगे। और बस टॉपिंग्स कर देना है, बस ये बनकर रेडी हो जाएगा। फिर बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। थैंक यू, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा खाने में। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स।